जो अपने बच्चों को आलिम बना रहे, मेरी उनसे गुजारिश है वो अपने बच्चों को डॉक्टर, टीचर, वकील, इंजीनियर बनाए। आप कहेंगे मौलाना पैसे नहीं है, झूठ मत बोलो। कौन बोलता है पैसे नहीं है? आपके पास, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल खरीदने पैसे कहां से आए? आप लोग गुटखा खा करके जितने पैसे थूक देते हैं, सिगरेट पीकर जितने पैसे को आग लगा देते हैं, अब से पूछता हूं ये पैसे कहां से आते हैं? एक बाप छोड़ दे गुटखा खाना, एक बाप छोड़ दे सिगरेट पीना, ईद पर चार ड्रेस बनाते हो, छोड़ दो चार ड्रेस बनाना। किसने कह दिया कि हर ईद पर नया लिबास पहनना फर्ज या वाजिब है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जब तक मेरा बच्चा पढ़ेगा उस वक्त तक मैंने ईद पे नया लिबास नहीं बल्कि धुला पहनकर जिंदगी गुजारना है, और वो कीमत बचाकर मैंने अपने बेटे को तालीम हासिल करवाना। किसने कह दिया कि तीन वक्त पेट भर के खाना जरूरी है? एक वक्त खाओ, चले कभी फाका भी कर लो, पढ़ाओ अपने बच्चों को। हमारी खानकाह महरेरा मुतहरा जिससे हम सब वाबस्ता है, इमाम अहमद रजा वाबस्ता है, बदायूं के मशायक वाबस्ता है, उस महरेरा मुतहरा का ये ऐलान है, नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। मत खाओ एक रोटी, आधी रोटी पढ़ाओ बच्चों को। आप जानते हैं, देखो तालीम वो है जो इंसान की जरूरत कल भी थी।